पृथ्वी पर कई तरह की जनजातियाँ निवास करती हैं, जो आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। जहाँ आज मानव इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है, बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और अपने तमाम सुख सुविधाओं के साथ साथ तकनीकी में भी बहुत आगे निकल चुका है, वहीं आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अपनी प्राचीन स्थिति और उसी परिस्थिति में खुश हैं। ये जनजातियां आज भी बाहरी समाज और बाहरी लोगों से दूरियां बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं पांच ऐसी जनजातियों के बारे में जिनके कुछ अजीबोगरीब सालों से चली आ रही परंपरा के बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला, दानी जनजाति। इंडोनेशिया के पश्चिमी न्यू गिनी में निवास करने वाली दानी जनजाति में एक ऐसा रिवाज है जिसमें इस जनजाति की महिलाओं को अपनी उंगलियों के सिरे को काटना पड़ता है, ऐसा करके ये अपने रिश्तेदारों की मौत को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका शोक मनाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। दानी जनजाति में साल में एक बार सुअर का मांस पकाने का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग बांस के चाकू का इस्तेमाल करते हैं। दानी जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का बेहद सम्मान करते हैं। ये अपने मृतकों के शव को संरक्षित करने में मिस्रवासियों की परंपरा का पालन करते हैं। दूसरा, जारवा जनजाति। ये जनजाति भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति में से एक है। ये आज भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं। ये लोग धनुष बाण से ही जानवरों, मछली और केकड़ों का शिकार करते हैं। इस जनजाति में पैदा हुए किसी बच्चे का रंग अगर इनसे मिलता जुलता नहीं दिखता है तो ये लोग उसे मार डालते हैं। तीसरा, हिम्बा जनजाति। ये जनजाति अफ्रीका के उत्तरी नामीबिया के कुनेन प्रांत में निवास करते हैं। हिम्बा जनजाति की महिलाओं को नहाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि ये हाथ धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये अपने पूरे जीवन में बस एक दिन अपनी शादी के दिन ही नहाती हैं। हिम्बा जनजाति की महिलाएं अपनी बॉडी को फ्रेश और साफ सुथरा रखने के लिए नहाने की जगह एक खास किस्म की जड़ी बूटियों को पानी में उबाल कर उसके धुएं का इस्तेमाल करती हैं। इस जनजाति की महिलाओं की त्वचा लाल होती है क्योंकि ये लोग धूप से बचने के लिए एक लोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हेमेटाइट की धूल और जानवरों की चर्बी मिलाकर बनाते हैं और इसी हेमेटाइट की धूल की वजह से इनकी त्वचा लाल दिखती है। इन सब के बावजूद हिम्बा जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चौथा, मसाई जनजाति। ये जनजाति तंजानिया और केन्या के जंगलों में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोगों की संस्कृति में प्यार और सम्मान जताने का एक खास तरीका होता है, जिसे जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। अगर ये लोग अपने किसी दोस्त या सहेलियों से मिलते हैं तो वे एक दूसरे पर थूकते हैं, और अगर किसी को आशीर्वाद भी देना होता है तो थूक कर ही देते हैं। इस जनजाति में किसी भी व्यक्ति का धन और सम्मान उसके पशुओं और बच्चों के संदर्भ में मापा जाता है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय और बच्चे होते हैं वही होता है सबसे धनवान व्यक्ति। पांचवा, मुर्सी जनजाति। ये जनजाति साउथ इथोपिया और सूडान बॉर्डर के उमान वैली में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग लड़ाई से पहले जानवरों का खून पीते हैं
और अगर इस जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना किसी बीमारी के हो जाती है तो ये लोग उसकी मांस को खा जाते हैं। इस जनजाति के लोग दूसरे को मारना गर्व की बात समझते हैं। मुरसी जनजाति की महिलाएं लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत अपने निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की बनी डिस्क पहनती हैं।